से इस वीडियो में जानेंगे कि वर्डप्रेस में जो प्लगइन है हम किन किन तरीक़ों से इंस्टॉल कर सकते हैं, जो तरीके हैं हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं प्लगइन को। तो चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड में। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, जो तरीके मैं आपको बताऊंगा इंस्टॉल करने का वो आप देखिए, उस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्लगइन को। प्लगइन पर क्लिक करेंगे, ये आपको मैं पहला तरीका बता रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको दोनों तरीके पता चलेंगे। इसमें जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। कभी कभी एक्सटर्नल प्लगइन जो होता है हमें इंस्टॉल करना होता है सेकंड तरीके से, और अगर आपको वर्डप्रेस वो मिल जाता है तो आप यहाँ से सर्च करके कर सकते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, अगर आपको कोई वर्डप्रेस में सर्च करना है प्लगइन तो अगर वो आपको मिल जाता है तो आप यहाँ पे सर्च करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम सर्च करेंगे, वो प्लगइन अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो आप इंस्टॉल करें, नहीं तो आप सर्च करते हैं। सर्च करते हैं हम योस्ट। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे सर्च करके। इंस्टॉल नाउ। मेरी जितनी भी वीडियो हैं वर्डप्रेस की, आप उन वीडियोस को देखिए। ये वीडियो स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ। कुछ कपल ऑफ सेकंड लेगा इंस्टॉल करने के लिए। एक्टिवेट नाउ। ये मेरी वर्डप्रेस की सीरीज़ है, इसमें आप सारी वीडियोस को देखिए जो मेरी प्रीवियस। ये इंस्टॉल हो चुका है, ये मेरा पहला तरीका है। एंड हम सेलेक्ट करते हैं अब प्लगइन पर। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड तरीका कि हम सेकंड तरीका किस तरह से प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन। यहाँ से हम फाइल करेंगे चूज़ फाइल। जो मैंने प्लगइन कहीं से डाउनलोड किया या वर्डप्रेस से डाउनलोड किया या फिर मैंने गूगल से डाउनलोड किया, वो मैं इंस्टॉल इस तरह से कर सकता हूँ। एक्सटर्नल प्लगइन जो होता है उसको हम ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरा प्लगइन है, आप फाइल सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने डाउनलोड कहाँ से किया है, ये वर्डप्रेस से मैंने डाउनलोड किया है, टॉप 10 पॉपुलर पोस्ट प्लगइन। अब इस प्लगइन को सर्च करेंगे एंड सर्च करने के बाद डाउनलोड करेंगे तो आपकी जिप फाइल डाउनलोड होगी। उस जिप फाइल को आप वर्डप्रेस के चूज फाइल करेंगे और इंस्टॉल नाउ करेंगे।
ये आपका सेकंड तरीका है प्लगइन इंस्टॉल करने का। जो पहला बताया था वो आपको इंटरनल प्लगइन था, ये आपका एक्सटर्नल प्लगइन है, एक्टिवेट प्लगइन। कुछ कुछ प्लगइन ऐसे होते हैं जो वर्डप्रेस पे नहीं मिलते हैं, तो वो प्लगइन हम एक्सटर्नल तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो प्लगइन हमारे वर्डप्रेस पे मिल जाते हैं उनको हम फर्स्ट वे से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपका इंस्टॉल हो गया है। तो ये थे आपके दो तरीके प्लगइन इंस्टॉल करने के वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। तो आप दोनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका अपनाइए, दोनों तरीके अलग अलग हैं हर प्लगइन के लिए, तो आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। और मेरी आने वाली वीडियोस को आप देखिए, जो मेरी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड की जो वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, उनको देखिए आप। और मैंने डिज़ाइन के लिए कैनवा सीरीज़ भी ट्यूटोरियल बनाया है, वो आप देखिए, स्पेशली फॉर जो वेबसाइट क्रिएटर हैं, डिज़ाइनर हैं, उनके लिए बनाया है मैंने, तो आप उस ट्यूटोरियल को देखिए।